राजस्थान के रोडवेज एम्प्लॉयज़ की अभी कुछ दिनों पहले 20 दिनों तक एक स्ट्राइक चली अपनी डिफरेंट मांगों को लेके, लेकिन गवर्नमेंट ने उनकी एक नहीं सुनी। वो स्ट्राइक इनको फाइनली खुद से ख़त्म करना पड़ा, चूँकि 20 दिन तक स्ट्राइक की, गवर्नमेंट से कोई निगोसिएशन नहीं हुआ, कोई रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का नहीं आया इनसे बातचीत करने के लिए। फाइनली आचार संहिता लग गई, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ गया, इलेक्शन का डेट अनाउंस हो गया, तो इनको अब कोई बात करने का चैनल भी नहीं रह गया था, इसलिए कि अब कोई नई घोषणा भी नहीं की जा सकती थी। तो एम्प्लॉयज़ को थक हार कर अपना जो स्ट्राइक था उसे ख़त्म करना पड़ा। अभी मैं वैशाली नगर के एक बस डिपो में हूँ और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुद्दे थे और इसका आने वाले चुनाव पे कोई असर पड़ेगा या नहीं। मेरी वेतन 48,000 रुपये है, कट करके 26,000 रुपये लगभग आते हैं, लेकिन हड़ताल के कारण से कट करके 9,347 रुपये हैं। हाँ जी, हमारे को वेतन की बात करें तो वेतन हमारे को कुछ नहीं मिलता, हमारे बच्चे की पढ़ाई नहीं, मतलब फीस तक नहीं चुक रही। फीस देखो प्राइवेटों में जाकर के देखो, कोचिंगों में देखो, दुनिया भर के, लेकिन मैं नौकरी करके भी मतलब इस टर्ने पे हूँ तो मेरे बच्चे की एक ही बच्चा, दो तीन बच्चे तो पढ़ाई कैसे, मेरे दाब के 30,000 रुपये से ले रही है और 17-18 साल मेरे को नौकरी करते हो गए, ये हमारी पे स्केल है। अब इसमें कौन सा ज़्यादा हो गया, ये वसुंधरा जी करते हैं साहब, मोटी तनख्वाह वाले, मोटे तनख्वाह वालों को तो दलाल बना के बिठा रखे हैं, दुनिया भर के वो करे, हम छोटे कर्मचारियों से क्या लेना चाहते हैं। यहाँ पे देखते हैं रोडवेज की बात करें तो रोडवेज में बड़े अधिकारी IAS RS बटाणते हैं, तो सुधारने के लिए बटाणते, वो खुद ही पैसे लेते हैं, वो क्या सुधारेंगे, और हमारे गरीबों के वेतन के ऊपर कटौतियाँ करते हैं, हम परेशान होते हैं, बड़े वाले तो एक भी नहीं होता। हमारे पिछले 2 साल से बोनस बकाया चल रहा था, 6,999 रुपये बोनस की जो रेंज थी उसको घटा करके 3,499 कर दिया, और वो भी अब की बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है, मिलना मुश्किल है, और दीपावली बिल्कुल फीकी मनेगी। 7वां वेतन आयोग की थी, नई भर्ती की थी, नई गाड़ियाँ की थी, और रिटायरमेंट कर्मचारियों को जो बाकी पैसा है उनके लिए। स्ट्राइक का मेन जो मुद्दा था 7वां वेतन आयोग और हमारे लिए नई बसों का और रिटायरमेंट कर्मचारियों के पेमेंट का, जो कि कई महीनों से क्या कई वर्षों से लंबित चल रहा है, और DA का भी एक थोड़ा छोटा मोटा मुद्दा DA का भी था उसमें, लेकिन मेन तो यही थी कि हमारे लिए बसें ही नहीं आएंगी तो फिर गाड़ियाँ ही नहीं चलेंगी तो हम चलाएंगे क्या। न तो हमारे को वेतन भत्ते टाइम पे लगे, न हमारे को कोई बढ़ोतरी हुई, और 7वां वेतन आयोग में लास्ट इनका टाइम आ गया तो हमारे को इसके अंदर हमने कई चीज़ें, हड़ताल तो लास्ट टाइम लिया हमने, लेकिन इससे पहले कई चीज़ें करी, लेकिन सरकार ने हमारी कोई चीज़ नहीं सुनी, और वो सरकार चली ही गई, लेकिन हमारी एक नहीं मांगी, और हम कर्मचारी बिल्कुल मतलब जूझ रहे हैं, हमारा खर्चा नहीं चल रहा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही, और टाइम पे हमारे को पैसे नहीं मिल रहे, इसमें हमारे बच्चे भी वंचित हो रहे हैं। डिटेल तो मेन तो हमारे लिए मुद्दे यही हैं कि हमें गाड़ियों की ज़रूरत है सख्त अभी इस वक्त, और हमारे जो रिटायरमेंट कर्मचारी जो हमारे साथी हैं जो रिटायर हो चुके हैं उनके जो पैसा उनका बकाया है, ग्रेच्युटी वगैरह जो ये है, ये उनको पेमेंट नहीं हो रहे हैं, पिछले 2-3 साल से बकाया चल रहे हैं, उनका भी एक ये बहुत बड़ा मुद्दा था। और 7वां वेतन आयोग तो खैर था ही, जब सबको ही दे दिया, रही बात निगम की तो जितने भी निगम हैं राजस्थान में बोर्ड हैं उन सबको 7वां वेतन आयोग दिया जा चुका है, और हमारे साथ ही विशेष रूप से सौतेला व्यवहार हो रहा है। ऐसा है साहब कि जो हमारी मांगें थी सरकार ने बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं दिया, और हम लंबे समय से मतलब संघर्ष कर रहे थे, विरोध वगैरह जता रहे थे, फिर लास्ट में हमारी 3 दिन की हड़ताल हुई, उसमें समझौता हुआ लिखित में, इसको लागू करवाने के लिए हमने प्रयास किया, फिर दोबारा हड़ताल करनी पड़ी, 20 दिन चली, फिर भी सरकार ने हमारे जो मांगे थी, मुख्य मांगे 4 थी, उन पर किसी पर भी गौर नहीं किया, वार्ता के लिए भी नहीं बुलाया, और मतलब कुछ भी ध्यान नहीं दिया, और आचार संहिता लागू हो गई, और हमें मजबूर होकर के वापस हमारे निर्णय को वापस लेना पड़ा, और चक्का जाम हड़ताल हटा करके चलानी पड़ी। लेकिन सरकार बार बार कहती घाटे में कैसे है, ये बताओ हमको, कितने प्रकार के इन लोगों ने छूट कर रखी है, वो पैसा कौन देगा, और बार बार कहती है सरकार कि हम 45 करोड़ दे रहे हैं, 40 करोड़ दे रहे हैं, किस बात के दे रहे हैं, वो उनका पैसा कौन देगा, कहीं गाड़ियाँ चली जाती है बेगार में, रैली में, फैली में, तो उनका पैसा कौन देता है। बिल्कुल ये मुद्दा भी बनेगा, ये कर्मचारी तो 101% इस मुद्दे को अब आगे बढ़ाएंगे और सभी जनता को बताएंगे कि हमारी जो उचित मांगे थी उनको नहीं माना गया, और सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुंह फेर के मैदान छोड़ के चली गई। तो हम तो BJP से साहब सब कर्मचारी, हम ही नहीं, हमारे 16,000 कर्मचारी जो वर्तमान में कार्यरत हैं, और मई फैमिली से 16,000 कर्मचारी तो हमारे हैं, और
रिटायरमेंट कर्मचारियों के सहित 22,000 कर्मचारी हैं, हम तो बीजेपी को वोट देने में असमर्थ रहेंगे। छोटे से छोटा कर्मचारी मान लो, चाहे बड़े से बड़ा कर्मचारी मान लो, चाहे रोडवेज मान लो, किसी भी कर्मचारी हित की सरकार नहीं है। फिर ऑल इंडिया के अंदर इस गवर्नमेंट ने केंद्र से लेकर यहाँ तक बजरी बंद करवा दी, जो सभी मजदूरों के जो फांसी लग गई, ये इनकी इन नेताओं की गाड़ियाँ हैं। लोकप्रिय सेवा, इनको काले नोटबंदी चली थी तो एक नंबर में पैसे करने के लिए इनको अपना चिपका करके और इनसे बसें खरीदवाई, तो इन्होंने बोला हम तुम्हारे को रोड पे चलाएंगे, एक नंबर में पैसा कर लिया और हमारे से लड़ने के लिए हमारे कई मुकदमे दर्ज कर लिए और हमारे हाथ भी टूटे लोक परिवहन सेवा से। मैम खुद ने बिना परमिट, आधी गाड़ियां बिना परमिट चला रहे हैं और खुद गवर्नमेंट की ये कह रहे हैं ना गवर्नमेंट की चोरी रोको, खुद गवर्नमेंट की चोरी करवा रही है सरकार। सर जी ये नई गाड़ी इसलिए नहीं ला रहे हैं क्योंकि इनकी नई नई जो गाड़ियां ला रहे हैं और इन दो नंबर के काम को एक नंबर से शो करने के लिए इनकी गाड़ियों को पनपा रहे हैं। बहुत निकम्मी सरकार, ऐसी सरकार तो पहली बार देखी हमने। तो आपने राजस्थान रोडवेज के इन एम्प्लॉयज को सुना, इन सबकी एक कॉमन ग्रीवेंसेस है, कुछ डिमांड्स हैं इनके मोटे मोटे। एक तो ये कि जो इनका इनकी सैलरी है वो रेगुलर नहीं मिलती है, हर महीने इनके अकाउंट में इनकी सैलरी क्रेडिट नहीं की जाती, जो इनका कॉमन ये है। हालांकि सैलरी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा नहीं है, 30-40,000 के अराउंड इनकी सैलरी होती है जैसा ये कह रहे हैं, वो भी रिटायरमेंट का टाइम आते आते 17-20 साल की जॉब के बाद इनको 20-30 से 40,000 रुपये मिलते हैं, वो भी रेगुलर पेमेंट नहीं है। दूसरा जो इनका सबसे बड़ा डिमांड है वो ये है कि नंबर ऑफ बसेस बढ़ाई जाएं, चूँकि 4600 बस राजस्थान रोडवेज में होनी चाहिए जिसमें तकरीबन 3000 बस ही ऑपरेटिव हैं, तो ये कम से कम 1500 बसेस को और ऐड करने की स्प्लिट में और ऐड करने की का डिमांड कर रहे हैं, जिसको सरकार ने नहीं सुना। इनका कहना है कि क्या वो ऑफिसर्स जो टॉप पोस्ट पे बैठे हुए हैं इस डिपार्टमेंट के, क्या उनकी सैलरी डिले होती है, क्या उनकी सैलरी कभी रोकी जाती है, क्या उनको भी ऐसी ही स्ट्रगल करना पड़ता है जैसे इन लोगों को स्ट्रगल। तो जब और वो इस सिस्टम के इनके इस ग्रुप के हिस्सा होते हुए भी उनको प्रोटेस्ट कभी नहीं करना पड़ता, उनको स्ट्राइक नहीं करना पड़ता, चूँकि उनकी सैलरीज टाइम पर आती है, सैलरीज अच्छी होती है, बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी इनकी डिमांड्स को सरकार ने नहीं सुना।